सो क्रियो पैरामेट्रिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू यूज़ द होल कमांड। होल कमांड देखो यहाँ पर अवेलेबल है, ये वाली होल कमांड अवेलेबल है, ठीक है। आज हम होल कमांड देखेंगे किस तरह से यूज़ करना है। तो देन होल कमांड के बाद में उसी के बाजू में एक ड्राफ्ट कमांड है, और उसी ड्राफ्ट कमांड के ड्रॉपडाउन लिस्ट के अंदर यहाँ पर एक दूसरी कमांड है जिसको बोलते हैं हम वेरिएबल स्विफ्ट कमांड। तो हम वेरिएबल स्विफ्ट कमांड के बारे में भी लर्न करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम क्रियो पैरामेट्रिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होल कमांड के बारे में लर्न करते हैं यहाँ पर, ठीक है। होल कमांड किस तरह से यहाँ पर यूज़ करना है। होल कमांड क्या के लिए यूज़ करते हैं हम, टू क्रिएट द होल ऑन एनी फीचर। जो भी हमारे पास में फीचर अवेलेबल है उस फीचर के ऊपर होल क्रिएट करना है, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सिंपल होल कमांड सेलेक्ट करनी है आपको। यहाँ से होल कमांड सेलेक्ट करने के लिए माउस का फर्स्ट नंबर का बटन आप सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट, जैसे होल कमांड सेलेक्ट हो जाती है तो आपके सामने इस तरह का स्केचिंग प्लेन ओपन होगा। स्केचिंग प्लेन ओपन होने के बाद में आप देखो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपके सामने, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इस ऑप्शन को बोलते हैं हम सिंपल होल। देन इसके बाद में जो सेकेंड वाला है, ये वाला ऑप्शन है हमारा स्टैंडर्ड होल। देन थर्ड वाला नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में ये वाला, जिसको हम काउंटर संग यानी काउंटर बोर जो होल रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। इसे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल होल कैसे किस तरह से क्रिएट करना है हमको यहाँ पर। सो सिंपल होल क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से प्लेसमेंट में जाना है। प्लेसमेंट में जाने के बाद में सबसे पहले आपको पूछेगा ये प्लेसमेंट सेलेक्ट करो, कहाँ पर होल चाहिए आपको, वो वाला प्लेन सेलेक्ट करना होगा। तो पहले आप यहाँ पर प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे, देन इस सरफेस के ऊपर क्लिक करना है आपको, कौन सा, जिस सरफेस पे आपको होल चाहिए। मैंने ये सरफेस सेलेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने सरफेस सेलेक्ट किया तो देखो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे इसको सरफेस सेलेक्ट किया तो वहाँ पर आपको इमेजिनरी होल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमेजिनरी होल के अंदर आपको देखो यहाँ पर 88 का डायमीटर बता रहा है और इसका हाइट बता रहा है 188, ठीक है। अब हम इनको कैसे चेंज करेंगे और इसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे। होल तो हमने वहाँ पर डिफाइन कर दिया, बट अभी आपको इसको स्पेसिफाई करना होगा कि इस सरफेस के ऊपर होल कहाँ पर चाहिए हमको। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे। देखो यहाँ पर इसे ड्रॉपडाउन के अंदर यहाँ पर रेफरेंसेस बताया है आपको, है ना। सो ये रेफरेंसेस के ऊपर आपको एक मरतबा क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको दो सर्फेस सिलेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पर पूछ रहा है ये सिलेक्ट द टू आइटम्स, तो ये टू आइटम्स सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक मरतबा यहाँ पर एक बार क्लिक करो। एक बार यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको ये दो प्लेन सिलेक्ट करना है जहाँ से आप इसके सेंटर का डिस्टेंस दोगे। इस होल का डिस्टेंस आपको क्रिएट बताना होगा, तो ये सरफेस है और एक ये वाले सरफेस से हम उसका डिस्टेंस देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये वाला प्लेन सिलेक्ट करो। देखो जैसे ही मैंने प्लेन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इस प्लेन से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, 259 इतना डिस्टेंस लिया यहाँ पर इसने, है ना, ये वाला डिस्टेंस। देन उसी के साथ में वापस कंट्रोल प्रेस करो और साइड वाला जो है हमारा ये वाला प्लेन, इसको सिलेक्ट करो। जैसे हमने उनको सिलेक्ट किया तो देखो आपका जो होल जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो अभी इमेजिनरी रह गया क्या, नहीं, वो एक्चुअल होल में दिखाई दे रहा है आपको। देखो अभी ये इस होल को क्या करना है आपको, सबसे पहले तो डायमेंशंस देने हैं। तो डायमेंशंस देने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक तो आप डबल क्लिक यहाँ पर करोगे, या तो फिर यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यूज एंटर कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद में सपोज मुझे 200 डिस्टेंस पर चाहिए उसका सेंटर इस प्लेन से, तो मैंने 200 एंटर कर दिया है। देन राइट हैंड साइड का जो डिस्टेंस हमारा 187 बता रहा है यहाँ पर, सी ये वाला 187 है, तो 187 को मैं वापस 200 कर देता हूँ। ये 200 कर दिया मैंने, देखो यहाँ पर क्लिक हो, मैं इसको 150 करता हूँ, सेंटर में आ जाएगा होल, ठीक है। देखो 150 किया मैंने, अब ये 150 करने के बाद में होल तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन आप अगर इसको मूव करके देखोगे तो होल थ्रू आउट नहीं है होल, है ना। तो बट आपको क्या करना है, थ्रू आउट होल क्रिएट करना है यहाँ पर। तो थ्रू आउट होल क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला ऑप्शन, यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर आने का आपको यहाँ पर एक मतलब क्लिक करने का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको ये वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, ड्रिल अप टू द नेक्स्ट सरफेस, दिख रहा है सामने लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे और अगर आप फीचर को, इस मॉडल को अगर रोटेट करके देखोगे तो देखो यहाँ पर जो हमने होल क्रिएट किया वो कैसा होल है, एकदम थ्रू आउट होल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से थ्रू आउट होल क्रिएट हो गया। देन आपको इसको डायमीटर डिफाइन करना होगा, सो कितना डायमीटर चाहिए आपको, देखो यहाँ पर डायमीटर बता रहा है आपको ये। सो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर डायमीटर सपोज मुझे 100 चाहिए तो 100 टाइप करना है और इसको एंटर कर देना है। जैसे इसको 100 एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर देखो होल पूरी तरह से क्रिएट हो गया है। यहाँ पर होल क्रिएट होने के बाद में आप यहाँ पर उसको प्रीव्यू देख सकते हो उसका, या तो फिर आपको डायरेक्ट यस क्लिक करो। यस क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से सिंपल होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द सिंपल होल। नाउ हाउ टू डू दी जो दूसरे वाले जो होल है हमारे पास में, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में काउंटर सक एंड द काउंटर बोर है, तो हाउ टू क्रिएट द काउंटर बोर एंड द काउंटर संक होल वो देखेंगे हम। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करके इसको, ये जो होल हमने क्रिएट किया इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पर एक बार, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और डायरेक्ट डिलीट बटन प्रेस कर दिया है। ओके सेलेक्ट करना है, यहाँ से वो फीचर डिलीट हो गया। देन वापस क्या करना है आपको, होल में जाना है।
होल कमांड में जाने के बाद में सबसे पहले क्या करोगे, आप प्लेसमेंट में जाओगे। प्लेसमेंट में जाने के बाद में प्लेसमेंट से लेकर करोगे, देन कहाँ पर चाहिए आपको होल, यहाँ पर चाहिए मुझे, यहाँ पर होल चाहिए था। मैं अब उसका डायमीटर पहले डिफाइन कर देता हूँ, 100 इतना डायमीटर चाहिए मुझे, 120 इतना डायमीटर चाहिए अभी, ठीक है। अब ये डायमीटर वगैरह हम बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, अभी सबसे पहले हमको क्या मेन चीज़ है इसके अंदर, यहाँ पर जो आपको डिफाइन करनी है दैट इज़ दी ऑफसेट। ऑफसेट ऑफसेट जो डिस्टेंस रहेगा कौन से भी प्लेन से, आपको इसका डिस्टेंस डिफाइन करना होता है कि इसको स्पेसिफाई करने के लिए। तो मैं पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन टू आइटम सेलेक्ट करना है हमको, ये वाला प्लेन कंट्रोल प्रेस करके ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया, देखो होल क्रिएट हो गया। अभी ये होल क्रिएट हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसको काउंटर संक में या फिर काउंटर बोर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है आपको, ये देखो यहाँ पर एक फोर्थ नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है इसका नाम रहेगा यूज द स्टैंडर्ड होल प्रोफाइल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करो, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप आगे देखते हो यहाँ पर काउंटर सेकेंड काउंटर बोर के दो आपको सिम्बॉल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर ये सिम्बॉल्स को क्या करना है आपको, सिंपली एक मरतबा क्लिक करना है। अभी मुझे सपोज ये ऐड काउंटर संक है और दूसरा है ऐड काउंटर बोर, तो मैं ऐड काउंटर संक सिलेक्ट करता हूँ। सी ऐड, जैसे मैंने ऐड काउंटर संक सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो जो हमारा होल था, यहाँ पर जो होल हमने क्रिएट किया है, इस होल के ऊपर देखो समथिंग चेंजेस हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, एक काउंटर संक ऐड हो गया है, ठीक है। अब ये इसका शेप अगर प्रॉपर देखना है आपको तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है शेप, ठीक है। इस शेप ऑप्शन में जाना है आपको, यहाँ पर ये शेप ऑप्शन पर क्लिक करो, आपके सामने दिखाई देगा कि हम होल कैसा क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अब ये होल क्रिएट करने के लिए आपके पास में अलग अलग पैरामीटर्स है, जैसे आप उसका एंगल दे सकते हो, यहाँ पर आप उसका जो अभी काउंटर संक क्या रहेगा कि काउंटर संक के अंदर ऊपर से संक दिखाई देगा, जैसे फनेल रहता है ना, तो उस टाइप काउंटर संक रहता है, तो काउंटर संक के ऊपर फनेल दिखेगा और नीचे बोर दिखाई देगा, तो ये हो गया हमारा काउंटर संक। तो आपको अभी काउंटर संक का जो आउटर डायमीटर है, ये वाला इनर डायमीटर रहेगा, देन उसका कितना हाइट लेना है आपको, ये हाइट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो तुम इस तरह से, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स आप डिफाइन करोगे यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स एंटर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो हम इसको थोड़ा साइड में लेते हैं और आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर का जो ये जो डायमीटर है हमारा, ठीक है, 144, मैं 144 को 160 कर देता हूँ। सी 160 करने के बाद यहाँ पर ध्यान दो, ये चेंज हुआ है, वापस मैं इसको 180 करता हूँ, एक मरतबा ध्यान दो, वापस चेंज होगा ये, देखो 180 किया मैंने, एंटर किया, वापस चेंज हो गया। देन अब मुझे क्या करना है, इनर का जो डायमीटर है वो कम कर देना है, इनर डायमीटर में 100 रखता हूँ, 100 एंटर किया मैंने, 100 एंटर करने के बाद मुझे क्या चाहिए, थ्रू आउट चाहिए या फिर कैसा चाहिए, मतलब जो होल रहेगा वो अगर सपोज आपको थ्रू आउट चाहिए होगा तो थ्रू आउट होल आपका इधर से भी दिखाई देगा, है ना। बट आपको अगर सपोज होल थ्रू आउट नहीं चाहिए, आपको सर्टन डेप्थ तक चाहिए सिर्फ, ठीक है। सो आप इसको रोटेट करके देखते हो कहाँ तक डेप्थ दिख रही है आपको, इसके देखो इस साइड इस तरह से डेप दिखाई दे रही है, और उसको क्या रहेगा, नीचे के साइड से इस तरह का शोल्डर लगे रहेगा, इसको हम शोल्डर बोलते हैं, ये इसको शोल्डर रहेगा, जिसको टिप शोल्डर टाइप टिप रहेगा उसके ऊपर, और उन दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल बताएगा आपको। अगर यहाँ तक अगर डिस्टेंस, ये इसका अगर डिस्टेंस देना तो ये दे सकते हो, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है वो वहीं पर वही रखोगे। देन यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, शोल्डर एंड टिप। ये शोल्डर एंड टिप क्या रहेगा, देखो मैं अगर चेंज करता हूँ, अगर अभी फिलहाल मैं शोल्डर बता रहे हैं तो मतलब क्या है कि जो वर्टिकल हाइट है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना, ये शोल्डर वाला हाइट बता रहा है, मतलब इट इज़ टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स शोल्डर। सो इसने डिस्टेंस शोल्डर से लिया 183। अगर मैं टिप कर देता हूँ तो देखो अब ये डिस्टेंस टिप से ले रहा है, यहाँ पर देखें यहाँ से यहाँ तक टिप से लिया है इसने डिस्टेंस। तो मैं हमेशा हम इसको शोल्डर रिकमेंड करते हैं हमेशा से, तो हमने शोल्डर लिया यहाँ से। शोल्डर लेने के बाद में हमने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। अगर आपको इसको थ्रू आउट चाहिए तो यहाँ से थ्रू ऑल करो, थ्रू ऑल करने के बाद इसको रोटेट करके देखो, थ्रू ऑल किया, रोटेट किया, देन थ्रू आउट करने के बाद, रोटेट करने के बाद इसको ओके सेलेक्ट कर दो। सी देखो मैंने ओके सेलेक्ट जैसे किया यहाँ पर, तो आपको आप देख सकते हो यहाँ पर काउंटर संक होल क्रिएट हो गया है, ठीक है। ऊपर के साइड से ये संक क्रिएट हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है ना ये वाला संक। इसी तरह से हम काउंटर बोर भी क्रिएट कर सकते हैं। काउंटर बोर क्रिएट करने के लिए आपको इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक बार कंट्रोल जेड किया, वापस होल में जाना है आपको। होल में जाने के बाद में प्लेसमेंट में जाओगे, ये वाला सरफेस सिलेक्ट करोगे। सरफेस सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। यहाँ से यहाँ पर हम रेफरेंसेस सेलेक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे। रेफरेंसेस को क्लिक करने के बाद में आपको रेफरेंसेस देना है, तो रेफरेंस कौन सा दोगे आप, एक तो ये वाला साइड दोगे, देन कंट्रोल प्रेस करके ये वाला साइड रेफरेंस दोगे और उसके डिस्टेंसेस डिफाइन करोगे, ठीक है। जितने भी डिस्टेंस पर आपको चाहिए होगा वो डिस्टेंस आप यहाँ पर चेंज करोगे। देन आपको क्या करना है, वापस से फोर्थ नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा, ये वाला फोर्थ नंबर का ऑप्शन। देन कंट्रोल यहाँ पे फोर्थ नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट किया, देन यहाँ से आपको अपेयर हो जाएगा ऐड काउंटर बोर, तो इसको सिलेक्ट करो। जैसे इसको सिलेक्ट करते हो देखो अब इसके अंदर क्या हो गया, दो अलग अलग डायमीटर वाला बोर ऐड हुआ है, ठीक है। देखो दिख रहा है क्लियर, इस तरह से आप क्या कर सकते, काउंटर बोर ऐड कर सकते। मुझे थ्रू आउट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इसको थ्रू ऑल कर दूंगा, ठीक है। ये देखो थ्रू ऑल ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ड्रिल टू द नेक्स्ट
विद ऑल सर्फेसेज, ड्रिल टू द इंटरसेक्ट विद ऑल सर्फेसेज किया तो ये थ्रू आउट होल क्रिएट होगा यहाँ पर विद डिफरेंट डायमीटर्स, दोनों भी दो अलग अलग डायमीटर्स के रहेंगे। अब आप इंडिविजुअली इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाला जो होल है हमारा ऊपर का उसका भी हाइट डिफाइन कर सकते हैं, डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं, और नीचे वाला जो होल है उसका भी हम डायमीटर एंड हाइट डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ से शेप में जाना है आपको, यहाँ से सी ये शेप ऑप्शन दिया है, शेप ऑप्शन में जाओ। यहाँ पर शेप ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पर आपको उसका शेप दिखाई देगा, ठीक है। अब शेप के अंदर क्या करना है, मुझे सपोज इसका डायमीटर यहाँ से 200 चाहिए, मैंने 200 एंटर किया, 200 एंटर करने के बाद इसका हाइट चाहिए मुझे 150, सो 150 इतना हाइट लेता हूँ मैं। देखो हाइट चेंज हो जाएगा अभी यहाँ पर, देखो हाइट चेंज हुआ यहाँ पर, ठीक है। देन हाइट चेंज होने के बाद में मुझे ये वाला जो डायमीटर है इसको थोड़ा और बढ़ाना है या फिर कम करना है, मैं इसको 120 कर देता हूँ। सी 120 किया, वापस इसके अंदर का देखो इनर जो डायमीटर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। देन थ्रू ऑल हमको चाहिए था, हम थ्रू ऑल करेंगे, या तो फिर अगर ब्लाइंड रखना है आपको तो ब्लाइंड करोगे इस तरह से, ये हाइट डिफाइन करोगे कितना ब्लाइंड करना है आपको। जैसे यहाँ पर 183 ले रहा है, मैं 200 ले लेता हूँ फिलहाल में, ये 200 लिया मैंने। देन इसको यहाँ पर क्या करना है, यस क्लिक करना है। जैसे आप यस क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने होल क्रिएट किया है दैट इज़ दी काउंटर बोर होल है, दिख रहा है ये काउंटर बोर होल इस तरह से। तो अंदर के साइड से अलग से एक बोर दिया है और ऊपर से एक अलग से बोर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये था हमारा काउंटर बोर। अब हमको स्टैंडर्ड होल किस तरह से इसके अंदर इम्पोर्ट करने हैं, तो चलो देखो स्टैंडर्ड होल देखते हैं हम, ठीक है। स्टैंडर्ड होल मतलब क्या है कि वापस होल के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पर होल पर जाने के बाद में देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये हमारे स्टैंडर्ड होल, ठीक है। स्टैंडर्ड होल इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो स्क्रू अवेलेबल रहते हैं होल के अंदर, जो बैठने वाला बोल्ट है नट एंड बोल्ट है वो मार्केट में अवेलेबल रहेगा। तो कौन कौन से होल्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं ये कंपनी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आपने जो भी होल क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा होल क्रिएट करो वहाँ पर जिसका ऑलरेडी नट एंड बोल्ट अवेलेबल है मार्केट में, अदरवाइज उसको वापस से कुछ और मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा हमको, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको काउंट क्रिएट इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर। जैसे हम इसको क्लिक करते देखो तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड होल प्रोफाइल दिखेगी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होल प्रोफाइल अवेलेबल है यहाँ पे। आप अगर इसके अंदर अभी इसके अंदर क्या रहता, स्टैंडर्डाइजेशन है, जैसे ISO स्टैंडर्डाइजेशन है, UNC स्टैंडर्डाइजेशन है, UNF स्टैंडर्डाइजेशन है, तो हम ISO यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी कौन से टाइप का चाहिए आपको, तो ये तो अलग अलग टाइप के होल्स मार्केट में अवेलेबल है, ये इतने सारे टाइप के होल्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बता रहा है M1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, देन इसके अंदर आपको अगर लास्ट में देखोगे आप तो M68 × 6। अब ये क्या है, M फॉर क्या रहेगा, 68 फॉर क्या रहेगा, 6 क्या रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से अभी फिलहाल में M30 ले लेता हूँ, ठीक है। M30 लिया मैंने, M30 लेने के बाद में कहाँ पर चाहिए मुझे, वो सरफेस के ऊपर मैं इसको क्लिक करता हूँ। सी देखो मैंने जैसे ही सरफेस के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर इमेजिनरी होल दिख रहा है, ठीक है। अभी इमेजिनरी होल की आपको इसका पूरा स्पेसिफिकेशन देखना है कि M क्या रहेगा, 30 क्या है उसके अंदर, 3.5 क्या है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में इसको क्लिक करो, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिखाई देगा, ठीक। सी अभी जो हम उसके अंदर जो जिस होल के अंदर हम स्क्रू फिट करने वाले हैं उसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। थ्रोट का सीरीज कौन सा है हमारा, ISO का सीरीज है। देन स्क्रू का साइज कौन सा है हमारा, सी यहाँ पर साइज बता रहा है आपको M30, ये एक्चुअली ये स्टैंडर्ड साइज है। अब उसके अंदर M30 के अंदर 3.5 क्या रहेगा, ये देखो यहाँ पर पहला वाला स्क्रू साइज है, तो स्क्रू साइज का ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड नाम दिया है उसको हमने M30 × 3.5। सो व्हाट इज द 3.5 क्या है इसके अंदर, इट इज अ पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस कौन सा है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव थ्रेड्स, काय का जो हमारा स्क्रू रहेगा, स्क्रू के पिच डिस्टेंस बताएं यहाँ पर, ठीक है। देन इसी के साथ में जो ड्रिल पॉइंट रहेगा हमारा, तो ड्रिल पॉइंट कितना दिया इसका 118 इसका ड्रिल पॉइंट है। देन ये स्टैंडर्ड है सब कुछ, ठीक है। देन ड्रिल का डेप्थ रहेगा उसका 79.50। देन इसके बाद में इसको अगर और स्क्रोल करोगे तो ड्रिल डायमीटर दिया इसका 26.50, ये इसका ड्रिल डायमीटर रहेगा। देन अगर सपोज इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसकी और डिटेल आपको दिखाई देगी, जैसे स्क्रील का थ्रेड का डेप्थ कितना है, थ्रेड का लेंथ कितना रहेगा, क्लास उसका कौन सा एच क्लास है इसका, देन मैट्रिक्स यस और नो, मैट्रिक्स क्या रहेगा उसके अंदर, ये सारा डिटेल्स आपको कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं कि मुझे इस डिटेल का वहाँ पर होल चाहिए, और आप फिर उस टाइम पर ये वाला होल यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आपको ये स्पेसिफिकेशन गिवन रहेगा इस ग्रेड के साथ में, तो ये ग्रेड के साथ में आप इसको सिलेक्ट करोगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में अब सिंपल क्या है, आपको आपने यहाँ पर होल क्रिएट कर दिया, आपको ये थ्रू आउट होल चाहिए मुझे, मैं थ्रू आउट होल ले लेता हूँ, इमेजिनरी होल दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके क्या करना है, स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना है, इसको रेफरेंसेस देना है हमको, तो प्लेसमेंट में जाओगे आप, प्लेसमेंट में जाने के बाद में ऑफसेट रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे, ये वाला साइड क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके ये वाला साइड क्लिक करना है,
सी जैसे मैंने दोनों भी साइड्स क्लिक कर दिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो उसका, अब ये स्टैंडर्ड है, हम इसको बढ़ा सकते हैं क्या अभी यहाँ पर? नहीं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लिया। अगर हम बढ़ा देंगे तो उसका स्क्रू मिलेगा क्या हमको? नहीं। सो सी 26.50 इतना होल का हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, इसका होल क्रिएट किया है। अब ये मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर मार्केट में जाकर बोलोगे कि मुझे M30 3.5 का अगर स्क्रू चाहिए, तो सीधे से स्क्रू निकाल के दे देगा और आप डायरेक्टली वो स्क्रू यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब ये जो होल क्रिएट किया हमने, ये होल कैसा है? इट इज़ ये थ्रेडेड होल है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भले ही थ्रेड नहीं दिखाई देगा, बट ये थ्रेडेड होल रहेगा। जब इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पर थ्रेडेड होल ही रहेगा वो, ठीक है। देन यहाँ पर होल क्रिएट होगा, इसको यस क्लिक कर दो। यस क्लिक करने के बाद में देखो, जैसे आपने यस क्लिक कर दिया, यस क्लिक करने के बाद में अब देखो यहाँ पर थ्रेड कहाँ तक दिए हुए इसको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। सो इसका पूरा डिटेल में आपको जो एक बुक रहता है डिज़ाइन का, हर एक कंपनी का सेपरेट सेपरेट बुक्स रहते हैं, तो बुक के अंदर ये सारा डिटेल गिवन रहेगा। देखो यहाँ पर भी आपको डिटेल दिखाई देगा, ये दिख रहा है M30 3.5 ISO, एच टैप दिया हुआ है, एच टैप दिया हमने 360 उसका डेप लिया है, 2.26.5 का ड्रिल लिया है हमने उसके अंदर, और थ्रू किया है -1 का होल है हमारा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड होल प्रोफाइल कौन से भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, और कौन से भी जितने भी होल्स के पैरामीटर्स दिए हुए वो होल के पैरामीटर आप यहाँ पर यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक मुझे?